पानी पानी, लेकिन इस बार भी हर साल की तरह वही कहानी। जैसे ही दिल्ली में बादलों का हुआ ब्रेक फेल, डूब गई सड़कें और रेल, हर तरफ जल भरा, हर तरफ पानी का सैलाब। ये तस्वीरें आपको दिल्ली की मानसूनी तैयारियां दिखा रही हैं कि किस तरीके से दिल्ली मानसून के लिए तैयार है। एक तरफ जहां चिपचिपी उमस वाली गर्मी से लोगों को राहत मिली, तो वहीं लोगों के सामने दूसरी परेशानी खड़ी हो गई है। दरअसल सुबह 6:30 बजे के आसपास दिल्ली के आसपास के इलाकों में धूप अंधेरा छा गया और फिर घनघोर बारिश हुई। कई इलाकों में बारिश के बाद जलभराव की समस्या देखने को मिली। जगह जगह गड्ढों में बारिश का पानी भर गया और जहां मिट्टी थी वहां कीचड़ हो गया। दिल्ली वालों पर से संकट और गहराता जा रहा है, क्योंकि IMD ने अगले 2 दिनों के लिए राष्ट्रीय राजधानी के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के अफसरों की ओर से पूर्वानुमान जताया गया है कि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत और इर्द गिर्द के इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान हल्की फुल्की गर्जन की भी संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में मंगलवार को जानकारी दी गई कि गुरुवार को उत्तर पश्चिमी भारत, खासतौर से मैदानी क्षेत्रों में भारी वर्षा में हल्की सी कमी आएगी। पंजाब, हरियाणा और UP में बारिश होगी, जबकि पहाड़ी राज्यों जैसे कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश हो सकती है। वहीं IMD के अनुसार जम्मू कश्मीर में हल्के स्तर की वर्षा होगी और उस दौरान बिजली भी गरज सकती है। राजस्थान में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, गुजरात में बारिश में थोड़ी कमी आ सकती है और ओडिशा में पानी गिरता रहेगा। वहीं बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई जा रही है।